Here we go. Equations, motion, कोई बात नहीं, बहुत चिंता मत करो आप। हाँ जी बेटे, सब करवाएंगे। थोड़ा सा एक बार ये चैप्टर्स का ओवरव्यू ले लें। हमारे छोटे छोटे दो चैप्टर्स हैं बेटा, एक बार ये कंप्लीट करवा दूं, देन आई विल बी डायरेक्टली फोकसिंग अपॉन द टाइप ऑफ द न्यूमेरिकल्स और द एमसीक्यूज और द असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस और क्वेश्चंस विद मल्टीपल ऑप्शंस और द क्वेश्चंस विद ऑर्डरिंग ऑल एज सच अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट गाइडलाइंस दैट वी शुड बाय सीबीएसई, राइट? हाँ जी, ऐसे ही ऐसा कही जा रही है, मैंने कुछ कहा ही नहीं है। ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेटे, डियर चिल्ड्रन, जो हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन। बेटे साथ साथ ड्रॉ करना है, सबने ऐसे नहीं बैठना, सुस्त नहीं पड़ना किसी ने भी। दिस इज टाइम ऑन दीज एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस पे आपने वेलोसिटी कंसीडर की, राइट? और आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का ये आपने प्लॉट किया, राइट बेटा? ये वाले पॉइंट को मैं ए पॉइंट कह देता हूं, ठीक? ये वाले पॉइंट को मैंने बी पॉइंट कह दिया, राइट? एक मिनट, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपको आती है चीज, बहुत ज्यादा खुशी वाली बात, अगर कम आती है तो फोकस करिए, अगर नहीं आती तो और ध्यान दीजिए। पर्पस इज दिस कि अगर पहले कोई चीज मिस हो गई है तो वो आपकी साथ साथ क्लियर हो जानी चाहिए, राइट? ये पॉइंट आपका हमने सी बोल दिया, ए पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी डी पे, इसका बी सी पे इसका नाम रख दिया डी, राइट? इस एंगल को हमने बोल दिया एंगल थीटा, क्लियर? आपका इनिशियल वेलोसिटी ओ ए तक जो है ये आ गया स्मॉल यू, ओके? कहां स्मॉल यू? थीटा। ऐसे बोलते हैं, एक मिनट वेट कर लीजिए, एक मिनट। और ये आपका फाइनल वेलोसिटी भी, ये आपका ग्राफ इंडिकेट करता है कि आपका ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पर नहीं है। जीरो टाइम पे इतनी वेलोसिटी है, इसकी क्लियर कट इंडिकेशन है कि ये रेस्ट पे नहीं है एट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट प्लॉटिंग द ग्राफ, राइट? अब आपको शायद एंगल के बारे में नहीं पता, एंगल जो है ये बेटे आर्क लेंथ अपॉन रेडियस के बराबर हुआ करता है। क्या मतलब है इसका आर्क लेंथ का? ये आपने कोई आर्क लगा दी यहां से, कंपास तो आपने कभी देखी है? Yes, उसका नीडल यहां रखा और ऐसे आर्क लगा दिया, ठीक? इसका एक एंड यहां पे ज्वाइन किया, दूसरा एंड यहां पे ज्वाइन किया, आर्क को मैंने ए बी बोल दिया, ए ने ओ पॉइंट पर और बी ने ओ पॉइंट पर जो लाइंस ज्वाइन करती हैं, इनके बीच में एंगल आपने मेजर कर लिया, इसको बोल दिया एंगल थीटा, राइट? और एंगल का जो डेफिनेशन है, ये आर्क की लेंथ, यानी ये लेंथ कितनी है डिवाइडेड बाय ये रेडियस कहलाएगा आपका, ये कितना है वो एंगल कहलाता है। समझ आई बात? गुड। और इसके बाद ध्यान दीजिएगा, और हाँ
एक मिनट, कैसे? बेटे हाँ, एक बार प्लीज बोलिए दोबारा। इसके बिना आप काम नहीं कर पाओगे। अगर आपको एंगल का नहीं पता होगा तो आप बाकी काम नहीं कर पाएंगे। तो इट शुड बी नोन, राइट? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी आपको थोड़े बता रहा हूँ, आपकी हेल्प हो जाएगी। थोड़ा सा ध्यान दो। और आप राइट एंगल ट्रायंगल जानते हैं क्या होती है? क्या होती है? एक राइट एंगल होता है, बाकी ये राइट एंगल हो गया, ए बी सी कह दें इसको। ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस, राइट? इसको एंगल बोल दिया थीटा, ठीक है? साइन ऑफ एंगल थीटा, एंगल तो आपको पता चल गया क्या होता है। अब एंगल के साथ ये साइन हमने फालतू टर्म लगा दी, इट मींस साइन ऑफ एंगल थीटा, राइट? किसके बराबर होता है? आपको आता तो है, आप क्यों कहते नहीं आता? नहीं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ नहीं करवाया, करवाया है। बीच में बच्चे थोड़ा कह रहे थे हमें नहीं पता। ओके, आपने क्लास अटेंड नहीं की होगी, है ना? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज एंड कॉस ऑफ एंगल थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। तो ये आपके पास बेटे आपके तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हैं, ये साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस ऑफ एंगल थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। इस बात का आपने ध्यान रखना। चले आगे अब। हाँ जी पुत्र, कोई बात नहीं, कर लो नोट। इसके बाद हमारे पास बात आ जाती है, हम बेटा ग्राफ को कैसे यूज करेंगे इन ऑर्डर टू डिराइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन, तीनों इक्वेशंस। हो गया ये? आइए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करके देखें। फर्स्ट इक्वेशन ये आपको कह देती है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है। इसको हम बेटा डिराइव करना चाहते हैं। डिराइव करने के लिए आप ये ट्रायंगल पे फोकस करिए, ए बी डी पे। ट्रायंगल ए बी डी देख रहे हो आप? इस ट्रायंगल को देख पा रहे हो अच्छे से? यहां पे आप, अच्छा एक बात और बताइए, स्लोप ऑफ द वी टी ग्राफ आपको क्या देता है? की बात है, आपको कैसे पता? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। एक्सेलरेशन आपका जो है इट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, आपने ये ऑलरेडी कर रखा है। स्लोप आपका टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा के बराबर होता है ना बेटा? और टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा आपने अभी अभी क्या बोला है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है? बेस कौन सा है ट्रायंगल का? ए डी। बी डी ध्यान से देखना, ये बी डी है, इसको आप बी सी माइनस सी डी लिख सकते हो। सो ए आपके पास आ जाएगा बी सी माइनस सी डी, और ए डी तो चलो आपका ए डी रह गया ऐसे ही। बी सी कितना है, सी डी कितना है, ए डी कितना है? पी को इस तरफ एडजस्ट कर लें, ए इंटू टी इज इक्वल टू वी माइनस यू कर दें, और ऐसे कर सकते हैं, चेक करिएगा। और देखो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। कोई बात मुश्किल लग रही है? चलिए गुड, चलें आगे। अब
सेकंड इक्वेशन करें बच्चों, के रुकें, आप लिख नहीं रहे कुछ भी, ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अभी लिखा है? ओके गुड। अगर आप हाँ जी बेटे 11 रोल नंबर कुछ कहना चाहता है बोलिए। सर टैंजेंट ऑफ एंगल थीटा स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ कैसे इक्वल होगा? आपका टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा स्लोप के बराबर कैसे होता है? यस सर। बेटे जो स्लोप है ना ग्राफ का, ये आपको बताता है कि आपकी एंगल किस एंगल पर ये लाइन विद रेस्पेक्ट टू द बेस इंक्लाइंड है, और उसको वर्कआउट करने का सबसे अच्छा तरीका आपका टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा होता है। अगर आपका ये एंगल छोटा हो तो हम सिर्फ थीटा भी कह सकते हैं, अभी आपका एंगल छोटा नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इट एज द टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा। फिर बेटा ओके सर चलें आगे। अब यस सर लेट अस बेटा फोकस अपॉन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। S is equal to ut plus half a t square, कैसे डिराइव कर सकते हैं? S is equal to ut plus half, this is the second equation of motion. What is the importance of vt graph beta? Vt graph हाँ जी बोलिए बोलिए। VT ग्राफ गिव्स अस व्हाट? सुनिए ध्यान से सुनिएगा, अगर तो आप इसका स्लोप निकाल लो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा, अगर आप एरिया अंडर VT ग्राफ निकाल लोगे तो आपको डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा। तो हमें डिस्टेंस कवर्ड चाहिए, distance covered s is equal to area under vt graph। अब आप देख लीजिए area निकालने के लिए it is equal to area of triangle abd plus area of rectangle oadc, दोनों का area निकालकर आप add कर लीजिए, right? So S will be equal to triangle का एरिया बेटे किसके बराबर होता है? Half into base into height बेटा। तो it will be 1/2, base of the triangle AD है, height कितना है? BD है। Area of the rectangle के लिए length कितनी है? OC, breadth कितनी है? OA या AO? ठीक हो गई बात बेटा? अब करें वैल्यूज पुट। सो एस आपके पास आ जाएगा बच्चों 1/2 ए डी को ध्यान से देखिएगा टी के बराबर है, टाइम है, और बी डी कितना है? बी माइनस यू आप ऑलरेडी कर चुके हो तो आप इसको बी माइनस यू लिख सकते हो, प्लस ओ सी किसके बराबर है एंड ओ ए किसके बराबर है? यू के बराबर, राइट बेटा? अब टर्म की रीएडजस्टमेंट करके देखिए एक बार, ये टर्म जो सेकंड नंबर पे है इसको मैं पहले नंबर पे लिख रहा हूं, एंड इट इज 1/2 इंटू टी इंटू वी माइनस यू, राइट? आपको फर्स्ट इक्वेशन याद है कि भूल गए? कौन सी है? v माइनस यू किसके बराबर होगा? इसकी जगह पे लिखा जा सकता है फिर, आप फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कहते हो तो v माइनस यू विल बी ए टी, इसकी जगह पे मैं ये लिख दूं ए टी, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है? लिख दे फिर, s फिर आ जाएगा यू टी प्लस 1/2 इंटू टी इंटू ए टी, क्लियर? टी इंटू ए टी किसके बराबर होता है? पक्की बात है? ए टी इंटू टी, ए टी का स्क्वायर पावर डबल हो जाएगा,
एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जरा चेक करिएगा आपको इस इक्वेशन की डेरिवेशन में कहीं पे भी कोई दिक्कत तो नहीं, आसान लग रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ 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 जी, नहीं जैसे मर्जी निकाल सकते हो आप बेटे, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप उससे नहीं निकाल सकते, इट इज अप टू यू, दोनों तरीके पॉसिबल हैं। मैं जनरली ट्रापीजियम इसलिए चूज कर लेता हूं कि उससे डायरेक्ट आ जाता है, आपको अलग अलग नहीं करना पड़ता। यहाँ पे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ रही है, लेकिन जब आप करोगे थर्ड इक्वेशन के लिए फिर आपको अगेन ये टी की टर्म्स में वैल्यूज पुट करनी पड़ जाएंगी। यस यस, ठीक है बेटा, आप जैसे मर्जी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। चले आगे। हाँ जी बच्चों, वो लास्ट गर्ल, हाँ जी बताओ क्या बात है, पूछो। अच्छा लग गया, बताओ। नाइस, तीसरी इक्वेशन, दोबारा बोलिएगा। इलेवन रोल नंबर वांट्स टू से समथिंग, यू आर अनम्यूटेड। सर एक बार सेकंड, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन समझा दोगे एक बार? हाँ जी, बीच में समझ नहीं लगी। फिर जो फर्स्ट इक्वेशन में था a इज इक्वल टू bd ओवर ad, वो एक बार फर्स्ट जो इक्वेशन में आपने करवाया था ना, हाँ हाँ, a इज इक्वल टू bd ओवर ad, उसके बाद आपने सर वो क्या करवाया था, मेरे को समझ नहीं आया थोड़ा। वो बेटे b की वैल्यू पुट की थी और कुछ भी नहीं किया। फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू b माइनस यू की वैल्यू पहले इक्वेशन से निकाल कर सब्स्टिट्यूट कर दी थी, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर एज सच, राइट? ओके, यस सर। चलें बच्चों आगे, थर्ड इक्वेशन करें डिराइव। यस, इट इज b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। आप इसको डिराइव करना चाहते हो, ठीक है? एस होता है एरिया अंडर बी टी ग्राफ, एस होता है एरिया ऑफ ट्रापीजियम, कौन सा पुत्र जी? ओ ए बी एंड सी, ट्रापीजियम आपका बन जाएगा। गुड़िया आप बताइए ट्रापीजियम का एरिया किसके बराबर होता है? स्टैंड अप। ना 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 ना, कुछ मिस कर गए आप, बताइए। यस, अब बात बनी है। एस इज इक्वल टू वन बाई टू, राइट, मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ पैरेलल मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा समझ आ गई थी बात? हाँ, ये फार्मूला है पुत्र, वो नीचे ही है, ये भी ऊपर थोड़ी है, एक ही बात है, आप घबरा मत जाया करो। मैथ वाले मैडम के पास बैठना थोड़ी देर के लिए, वो आपको सारा क्लियर कर देंगे, राइट? तो अब कर लेना, नहीं करवाया तो इसलिए करवाया। अरे एक मिनट भाई बच्चों, एक मिनट देखिए, सुनो तो सही आप लोग, अगर आपको आता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं आता तो मैडम के पास 5 मिनट बैठ लेना, वो 2 मिनट में करवा देंगे, ठीक है? सो एस इज इक्वल टू 1/2, पैरेलल साइड कौन सी है? कौन सी? AO और दूसरी BC, तो इट विल बी OA प्लस BC कर दें।
इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? वाई नॉट एडी? ओके ठीक है ठीक है, आपकी बात मान गए, मान गए, गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब आप वैल्यू शूट करवाओगे, सो इट विल बी इक्वल टू 1/2। ओ ए कितना है और बी सी, ओ सी, इसको इक्वेशन नंबर 1 फॉर द टाइम बीइंग कह दो। फर्स्ट इक्वेशन भूल तो नहीं गए? तो आपको बड़ी खुशी वाली बात है, आता है सबको, तो दैट्स समथिंग वेरी नाइस। ऐसे ही एग्जाम्स में भी अच्छे मार्क्स लेकर और अच्छी प्रेजेंटेशन के साथ सारा काम करके दिखाइएगा बेटा, ठीक है? आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, आपको सारा पता है। चलिए फिर भी हमारा काम है रिवाइज करना, कर रहे हैं, तो कीप योर स्पिरिट्स ऑफ द सेम लेवल और अच्छे मार्क्स लेकर दिखाइएगा एग्जाम्स में, रिविजन टेस्ट में भी, और आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक? चलिए अब आगे देखते दोनों। फर्स्ट इक्वेशन 80, बैठिए इसको ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ऐसे कर लें तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ऐसे कर देते हैं, है ना, कर दे। हाँ जी कहते हैं, हाँ नहीं कहते बेटा। सो आइए वैल्यूज पुट करके देखें, क्या हमें थर्ड इक्वेशन मिल जाती है कि नहीं मिल जाती है। चलिए करके देख लेते हैं। इट इज 1/2, इसको मैं u प्लस v को v प्लस u लिख दूं, कोई उल्टा तो नहीं हो जाएगा? चलिए आपने कहा, मैंने लिख दिया b माइनस u, बहुत बढ़िया। a, हाँ जी हाँ जी, आप एक मिनट बच्चों, एक मिनट पुत्र, एक मिनट, आपको आता है, बहुत ज्यादा खुशी वाली बात है, थोड़ा सा शांत रहा करो। ये जो आप फटाफट बताने की कोशिश करते हो ना, यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को संभालो। द मोमेंट यू विल बी सिटिंग फॉर द एग्जाम्स, अपने ये आपके जो माइंड में ये चीजें जो हैं, क्रिएटिविटी जिसको आप बोलते हो, उस टाइम पे आप इसको शो करिए। अभी थोड़ा सुनिए ज्यादा। तो ये 2a के साथ मल्टीप्लाई हो गया, इट इज 1/2a, राइट? ये आ गया b प्लस u एंड b माइनस u, a प्लस b इन टू a माइनस b क्या होता है? आपने पढ़ा है ना ये? सो s इज इक्वल टू 1/2a, ये a का स्क्वायर, ये b का स्क्वायर, क्यों? Yes. असल में क्या है कि एस के नीचे 1 है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? 2a को इधर ले जाने का मतलब है कि आप डायरेक्टली नहीं कह रहे हो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो टर्म्स को, ठीक है जी? तो इट विल बी इक्वल टू 2as, आगे बोलेंगे, ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया बेटा। अब बताइए कहीं है कोई बात मुश्किल? सीधी सीधी बातें हैं, फिजिक्स बहुत आसान है ना? नहीं ऐसा क्यों? नहीं, न्यूमेरिकल तो थोड़ा, फिर हमें बेटी थोड़ा टाइम घर पे बैठना पड़ता है। वो रोल नंबर 11 भी कह रहा है कि आसान है, वो देखो उसने मैसेज दिया है, हाँ जी 11 रोल नंबर आप बोल दीजिए एक बार। हाँ जी सर आसान है, वो देखो आसान कह रहा है आपका साथी, आप कह रहे नहीं है, क्या कहते हो बताइए। चलिए बेटे, चलिए, ये एक्चुअली बेटे इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप इन चीजों को किस हिसाब से देखते हो और आप कितना टाइम खुद को कितना टाइम डिवोट करते हो। मैंने तो बोल दिया यहाँ पे, आपने सुन भी लिया, और आप 5-10-20 मिनट खुद घर पे जाकर अगर देखोगे तो जो चीज आपको अगर कोई मुश्किल लगती है, वैसे मैं नहीं मानता लगती होगी, अगर लगती भी है तो वो आपको आसान लगने लग जाएगी, सिर्फ 10-15 मिनट की बात है।
जो काम हमने किया है इसको घर पे जाके एक बार रफ पेजिस पे लिख के देख लो, कभी भी आपको चीज भूलेगी नहीं, राइट। चले आगे। इसके बाद बेटे हमारे पास आ जाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसके साथ रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आइए वन बाय वन बात करके देखें। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करें जी स्टार्ट। इमेजिन कर लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, और सर्कुलर ट्रैक आपका कुछ इस तरीके का है, राइट। सर्कुलर ट्रैक का सेंटर मान लें, ये वो कह दे इस पॉइंट को बेटा, कह दिया तो, और इसका रेडियस आपका जो है आर कहना है, चलिए कह दिया जी, कह दिया। इस पॉइंट को क्या कहना है, बहुत बढ़िया, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज मूव करता करता यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो इसको क्या कहोगे, बी कह देना चाहिए, ठीक है। कुछ भी कहने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात करूंगा बेटा, क्वेश्चन आपको सीबीएसई में कई बार पूछा जाता है कि इंस्टेड ऑफ द फैक्ट दैट कि आपके ऑब्जेक्ट की स्पीड एक जैसी है थ्रू आउट द सर्कमफेरेंस, फिर भी मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहा जाता है। हाँ जी पुत्र, यस बिल्कुल ठीक। आपका ऑब्जेक्ट जब ए पे था, ध्यान से देखिएगा जरा, ए पर इसकी डायरेक्शन जो है दैट विल बी गिवन बाय दिस टेंजेंट, इधर को डायरेक्शन है इसकी ए पे, है ना। बी पे डायरेक्शन इसकी बदल गई, बदली कि नहीं, बदल गई। ये सी पॉइंट कह दें, सी पे डायरेक्शन को क्या हुआ, फिर बदल गई, बहुत बढ़िया। और ये फिर बदल गई डायरेक्शन। मैं बेटी आपको ये कहना चाहता था कि मान लीजिए आप खुद ही एक एथलीट हो, आप जैसे ये बच्चा कहता है कि मैं भी दौड़ लगाता हूँ रोज, सरकम ट्रैक पे लगाते हो ना आप, और आई रियली अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स, ही सेज कि वो 4-5 चक्कर लगा देता है 400 मीटर के, तो बड़ी अच्छी बात है। और उसने ये भी कहा है कि वो एक कॉन्स्टेंट स्पीड से, थोड़ी स्पीड हो जाए, कॉन्स्टेंट स्पीड से लगा देता है। अब देखो मान लो स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड भी कम नहीं होती, काफी होती है, लेकिन जैसे जैसे सर्कुलर ट्रैक के अलोंग आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूस चेंज आ रही है, डायरेक्शन लगातार बदल रही है, बदल रही है, बदल रही है, बदली जा रही है, बदली जा रही है, बदली जा रही है ना। और अगर डायरेक्शन बदली जा रही है तो जब भी आप एक्सेलरेशन की बात करते हो, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आप ऐसे कहते हो। जो चीज मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मैग्नीट्यूड बराबर है, ये दो लाइंस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, लेकिन डायरेक्शन क्योंकि बदल रही है, एक्सेलरेशन में डायरेक्शन भी आती है। अब इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पे बदल रही है, चाहे उसकी स्पीड एक जैसी है, तो इस वजह से आप इस मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। नो डाउट आपका मोशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि स्पीड जो है वो नहीं बदल रही है। ये 11 रोल नंबर नहीं, 2 रोल नंबर है भाई। हाँ जी रिप्या बोलिए। सर एक बार रिपीट कर दो, वो डिस्टरबेंस के कारण पता नहीं लगा कौन सी चीज। सर ये आपके एक्सेलरेशन बता रहे थे कि ए जो है ए इक्वल टू बी इक्वल टू यू टी, ये मैं बता रहा था, एक्सेलरेशन आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। अब मैग्नीट्यूड वाइज तो वेलोसिटी एक जैसी है, यू वी के बराबर ही है, लेकिन अगर आप इधर देखो ट्रैक के अलोंग, तो ट्रैक के अलोंग हर एक पॉइंट पर लगातार डायरेक्शन, जब भी आप वेलोसिटी, जब भी आप अपनी बेटे यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करते हो,
तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आती है, तो दैट इज व्हाई वी से दैट मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। सो डियर चिल्ड्रन, अगेन मैं वही पॉइंट बोल रहा हूँ, जब जब आप एक्सेलरेशन की बात करोगे तब तक आप बात करोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की, और वेलोसिटी में आप वेलोसिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा। रिवीजन टेस्ट का सिलेबस रोल नंबर 11 पूछ रहा है, सारे स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए। आपका पहला रिवीजन टेस्ट बेटा होगा मोशन चैप्टर में से, दूसरा रिवीजन टेस्ट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, आई थिंक कल आपको बताया भी था, तो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर योरसेल्फ्स बेटा। थैंक यू ऑल, वी विल डिस्कस द थिंग्स रेस्ट ऑफ द थिंग्स नेक्स्ट वीक। थैंक यू ऑल बेटा। Thank you.